जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गर्भगीता। गर्भगीता गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पलने वाले शिशु के लिए सही विकास के लिए बोली जाती है और गर्भगीता से शिशु को अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भगीता को सद्भावना से विचार मनन करता है वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, ये मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती है। 8 प्रहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है, वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान, यह मन मद मस्त हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5ों में अहंकार बहुत बली है, सो कौन सा यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, एक वे है जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे है जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानता रखी हुई वस्तु पचा लेता है उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है, यह बड़े पाप हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्ध दान करती हैं तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं, और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कई मनुष्य को आपने सुवर्ण दिया है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्य को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन,
जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनोवाच। हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुनोवाच। हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुनोवाच। हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। अर्जुनोवाच। हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुनोवाच। हे भगवान, कौन पाप से अम्लीक होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठि होते हैं? श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वे अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुनोवाच। हे भगवान, जिस किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है वे किस पाप से होता है और दरिद्र होते हैं? किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किस पाप से होती हैं? श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्म में ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराये स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु के पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी वो लंगड़ा व पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़ पराये पुरुषों के संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुनोवाच। हे भगवान, तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधित जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा है? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थ संसार में गुरु के बिना वो चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगाजल है वह अपवित्र है,
इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते। उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सुकर, गदर्भ, काक, ये सब की सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया। तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के दो अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित हो नर्क नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे या सुनेंगे वह गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 योनियां कट जाएगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नर्क के 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आपको मेरी यह गर्भ गीता पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।